टिड्डी दल का प्रकोप होने की स्थिति में इससे निपटने के लिए एडीएम बिनी दीमान ने सभी विभागों से आग्रह किया है कि वे आपसी तालमेल के साथ आवश्यक पग उठाएं। उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि वे इस आपदा के प्रति सजग रहें व संबंधित अधिकारियों द्वारा बताए गए उपाय व सावधानियां बरतें। बिनी दीमान ने बताया कि टिड्डी दल से बचाव की तैयारी हेतु चर्चा की गई है और निर्णय लिया गया कि फसलों को बचाने के लिए जन साधारण को पंपलेट इत्यादि के माध्यम से जागरूक किया जाएगा और कीटनाशक स्प्रे भी किया जाएगा। उन्होंने बताया कि टिड्डी दल से संबंधित जानकारी नियमित तौर पर पड़ोसी राज्यों से ली जा रही है तथा इस प्रकार की समस्या उत्पन्न न हो इसके लिए प्रशासन ने सभी तैयारियां कर ली हैं। उन्होंने बताया कि अगर कोई टिड्डी दल जिला के किसी भी क्षेत्र में दिखाई दे तो तुरंत जिला आपातकालीन केंद्र में 1077 पर संपर्क करे। टिड्डी दल के प्रकोप की रोकथाम के लिए उन्होंने जिला स्तरीय व उपमंडल स्तरीय कमेटी का गठन किया है। जिला स्तरीय कमेटी के अध्यक्ष अतिरिक्त दंडाधिकारी बिलासपुर तथा उपनिदेशक जिला ग्रामीण विकास अभिकरण बिलासपुर, उपनिदेशक कृषि बिलासपुर, उपनिदेशक उद्यान बिलासपुर व कमांडेंट होमगार्ड बिलासपुर इसके सदस्य होंगे। उपमंडल स्तरीय कमेटी के अध्यक्ष उपमंडलाधिकारी होंगे तथा खंड विकास अधिकारी विषयवाद विशेषज्ञ कृषि तथा विषयवाद विशेषज्ञ उद्यान इसके सदस्य होंगे। जैसे कि सभी को ज्ञात है हमारे जो डेजर्ट लोकस्ट होता है जिसको टिड्डी दल कहते हैं, जो हमारी एडजॉइनिंग स्टेट्स हैं जैसे पंजाब है, हरियाणा है उस पे, और साथ में जो राजस्थान बेसिकली इसका जो रेगिस्तान से आने का जो रहता है, तो वहाँ से जो ओरिजिनेशन है वो जैसे हवा के साथ इनका रुख जो है वो रहता है अपना आगे प्रोपेगेट करने का। तो हमने इससे रिलेटेड जो है वो परसों 9 तारीख को मीटिंग की है, और जितना टिड्डी दल जो हमारे जो एडजॉइनिंग स्टेट्स हैं जहाँ से जहाँ पे एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर में जिसका बहुत ज़्यादा और बाकी वेजिटेशन पे भी बहुत असर रहता है, तो उसके संदर्भ में क्या हमारी प्रिपेयर्डनेस होनी चाहिए अगर इस तरफ को जो है वो कोई उनका अटैक होता है, और हमारा जो है वो तैयारियों में किस तरह का जो है वो इन्वॉल्वमेंट, चाहे लोगों की इन्वॉल्वमेंट चाहे एडमिनिस्ट्रेशन की है, उस पर चर्चा विस्तारपूर्वक की गई। मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस चर्चा के दौरान हमने जो प्रिपेयर्डनेस का डिसीजन लिया है उसमें हमारा जो हमारा कृषि विज्ञान केंद्र है बर्ठी, उसके इंचार्ज डॉक्टर सुमन जो हमारे साथ थे उन्होंने अप्राइज करवाया था कि हमारा जो जितने भी बाकी स्टेट्स हैं उनके साथ मतलब हम संपर्क में हैं, अगर कोई जो उनका लाइन ऑफ ट्रेवल रहता है अगर हिमाचल की तरफ को वो रुख करते हैं तो एडवांस में ही हमें जो है वो 3 या 4 दिन पहले इसकी सूचना मिल जाएगी, और उसी के तहत जो है वो सब रीजन लेवल पे हम होम गार्ड्स के जितना भी हमारा जितना अग्निशमन का रहता है फायर टेंडर्स की मदद से जो है वो स्प्रे जो कीटनाशक है उनका स्प्रे, साथ में मैनुअली जो लोग पंचायत लेवल पे इकट्ठे होकर के जो ब्रोशर करके जैसे थालियां पीटने का है, जैसे किसी भी तरह को कोई भी शोर करके जो है मैनुअली उनको भगाने का, उससे रिलेटेड क्या स्ट्रेटजी रहेगी, उसके बारे में लोगों को किस तरह से अवेयर करना है उसके बारे में हमने जो है वो चर्चा की है। दो तरह की जो है वो टिड्डी दल होते हैं, कलर के हिसाब से उनको डिवाइड किया गया है। एक पिंक कलर के होते हैं जो बहुत एग्रेसिव होते हैं और जिनका जो है वो एक जगह पे रुकने का समय 1 या 2 दिन का होता है, और मोस्टली उसमें मेल कैटेगरी के जो है टिड्डी दल रहता है, और ये एकदम से जो है वो जितने भी वहाँ वेजिटेशन होती है जहाँ पे बैठता है उसको ख़त्म कर देता है। दूसरी तरह का जो टिड्डी दल रहता है वो येलो कलर का होता है, और वो उसमें मोस्टली फीमेल रहती हैं। इसकी चैलेंज ये होती है कि ये जहाँ बैठता है वहाँ सॉयल में जो है वो 15 से 20 सेंटीमीटर नीचे एग लेइंग भी करता है, और 2 या 3 दिन जो है वो एक जगह पे ये रुक सकता है और आसपास की जो जितनी वेजिटेशन है उसको ख़त्म करता है। जब ये किसी दल दूसरी जगह जाता है तो पिछले जो अंडे हैं वो 10 से 15 दिनों में मैच्योर होकर के दोबारा से एक नया टिड्डी दल वहाँ पैदा कर देते हैं, तो उसके लिए भी डीप प्लोइंग की ज़रूरत पड़ती है। तो
तो किसानों को उसी तरह से जो है वो अवेयर करने की भी बात हुई है कि अगर यहाँ पे येलो कलर का टिड्डी दल आता है तो उसके लिए एक तो डीप लोइंग का भी जो है वो इंतज़ाम किया जाएगा, और साथ में जो है जैसे वो एंटर होते हैं तो साथ ही उनके मारने का भी कीटनाशक जो है छिड़क करके उसको कंटेन करने का भी जो है वो प्रोविज़न किया जाएगा।